और एक बड़ी खबर आ रही है, 3 बच्चों की दर्दनाक मौत की खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, दिल्ली में जल भराव से बड़ा हादसा हुआ है। बारिश के पानी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत की खबर है। जहांगीरपुरी में ग्राउंड में बारिश का पानी भरा गया था, बच्चे ग्राउंड में भरे पानी में नहाने गए थे जब हादसा हुआ। बच्चों की उम्र 14 से 15 साल के बीच अब बताई जा रही है, और अब 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। दिल्ली डूब रही है, दिल्ली वाले नाव में बैठकर घर छोड़कर जान बचा रहे हैं, लोग पानी में तैरकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल का बनाया पूरा सिस्टम गले तक पानी में डूब चुका है। और सीधी तस्वीर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों की सीधी तस्वीर इस वक्त लाइव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस दौरे पर है और दिन भर हमने आपको तस्वीरें दिखाई, परेड में प्रधानमंत्री वहां पर चीफ गेस्ट, और अब ये तस्वीरें लाइव तस्वीरें हैं। ये मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर स्वागत किया, प्रधानमंत्री और इमैनुअल मैक्रों की वहां पर मुलाकात, हैंडशेक, बॉडी लैंग्वेज, और अब अंदर बातचीत का दौर शुरू होगा। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त ये सीधी तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमैनुअल मैक्रों से मिलते हुए वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आज दिन भर उनका कार्यक्रम रहा। यस्टरडे परेड में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर शामिल हुए, और आज का दिन महत्वपूर्ण क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस में अब इमैनुअल मैक्रों से बातचीत का दौर अब शुरू होगा। ये लाइव तस्वीरें, आ जाओ ना खबर पे आप। और बाढ़ बारिश की तस्वीरें, किस तरह से 3 बच्चों की मौत हुई, और जिस तरह से दिल्ली में सेना उतारनी पड़ी है, वो रिपोर्ट देखिए आप। वर्क करने की जरूरत, दिल्ली डूब रही है, दिल्ली वाले नाव में बैठकर घर छोड़कर जान बचा रहे हैं, लोग पानी में तैरकर जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में केजरीवाल का बनाया पूरा सिस्टम गले तक पानी में डूब चुका है। देश की राजधानी में प्रभावित इलाकों में स्कूल, कॉलेज, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से लेकर शमशान तक बंद करने पड़े हैं, लेकिन सियासत है कि पूरे उफान पर है। आखिरकार दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सरेंडर कर ही दिया, दिल्ली वालों को बचाने के लिए सेना को दिल्ली बुलाने की जरूरत आ गई। दिल्ली के आईटीओ पर रेगुलेटर खराब होने के कारण यमुना का पानी लगातार अंदर घुसता जा रहा है। आईटीओ बैराज पर कुछ गेट जाम हो गए थे, ऐसे में भारतीय सेना की 2 टास्क फोर्स को रात में इस काम पर लगाया गया। आर्मी का जो इंजीनियरिंग टास्क फोर्स है वो यहाँ पे अभी इसी गेट को कैसे रिपेयर किया जाए उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ग्रिल्स तैयार कर रहे हैं, वेल्डिंग्स हो रही है, यहाँ पे ग्रिल तैयार किया जा रहा है यहाँ पे। बाढ़ से निपटने के लिए सेना की एक टीम को आईटीओ के पास तैनात किया गया, दूसरी टीम को WHO बिल्डिंग के पास तैनात किया गया। दिल्ली पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, या अब कहा जाना चाहिए कि दिल्ली में बाढ़ आ चुकी है। इंडिया गेट पानी में डूब चुका है, राजघाट पानी में डूबा है, लेकिन जिस वक्त बाढ़ से निपटना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए उस वक्त दिल्ली सरकार LG से दंगल करने में लगी है।
मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ काम हो रहा है, हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल होंगे। और क्योंकि यमुना का फ्लो बहुत तेज़ है, उसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिटी के अंदर पानी ना जाए, इसी के सारे निवेदन है छोटा सा जी। सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि NDRF को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आइए NDRF, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता। सर अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, CS साहब भी थे उस पर, सर थोड़ी सी मदद हो जाती। सर सौरभ जी ये कहना चाहूँगा कि ये समय नहीं है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें। इस वक्त हमें टीम वर्क करने की ज़रूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। यमुना का जलस्तर भले ही कम हो रहा हो, लेकिन दिल्ली में सैलाब का संकट अब भी बरकरार है। यमुना नदी अब भी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है। यमुना नदी बहते बहते महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट तक पहुंच गए। सुबह होते होते मेन गेट आधा पानी में डूब चुका था। तो मेरे पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, और तस्वीरें देखकर शायद अंदाजा आज न लगा पाएं कि ये दिल्ली का कौन सा इलाका है। अगर मैं आपको न बताऊं, ये राजघाट है, और देखकर आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। राजघाट जहां पर लिखा होता है वो नेम प्लेट सुबह तक दिखाई दे रही थी, लेकिन अब वो भी पूरी तरीके से डूब चुकी है। पूरा अंदर का इलाका डूब चुका है, और पानी का फ्लो आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि कोई नहर बह रही है और बहुत तेजी से पानी उधर से आ रहा है। दिल्ली में सबसे बुरी हालत तो यमुना बाजार की है। ये इलाका टापू में तब्दील हो चुका है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। यहाँ रहने वाले कई लोग तो अभी भी राहत का इंतजार कर रहे हैं। तस्वीर आप देख लीजिए, आपको देखकर ये बिल्कुल नहीं लगेगा कि ये दिल्ली की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से पूरे पूरे टेंट डूब चुके हैं, पूरा ये इलाका जलमग्न हो गया है। 7 से 8 फीट लगभग पानी है। हम खुद भी इस वक्त NDRF की बोट में हैं, इसीलिए आपको ये तस्वीरें भी दिखा पा रहे हैं। यहाँ आ पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। NDRF की टीम के साथ हम लोग आए हैं। ये सभी लोग देखिए फंसे हुए हैं, उनको धीरे धीरे एक एक करके निकाला जा रहा है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि अभी दिल्ली वालों की मुसीबतें कम नहीं हुई हैं, और ये हालात कब तक बने रहेंगे इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्योंकि अगर दिल्ली में बारिश हुई तो यमुना में पानी फिर से बढ़ सकता है, और दिल्ली के हालात पहले से ज्यादा खराब हो सकते हैं। नहीं, क्लैश नहीं, सब मिलके काम करेंगे। ऐसे पानी का लेवल जब तक यमुना का कम नहीं होगा, वो सारा यमुना का बाढ़ आने की वजह से हमारे पंप रूम्स में, मशीनों में, जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं हमारे 3, चंद्रावल, ओखला और वजीराबाद, ये तीनों एकदम यमुना के किनारे पे हैं, वहाँ पानी एंटर कर गया, वहाँ आप चला नहीं सकते, चलाएंगे तो करंट आ जाएगा। पिछले 3 दिनों से दिल्ली के यही हालात बने हुए हैं। सड़कें दरिया बन चुकी हैं। यमुना का इतना पानी इस सड़क पर आ गया है कि लोगों का चलना दूभर हो गया। क्या यमुना नदी से सटे निचले इलाके, क्या VVIP इलाके, दिल्ली के CM के घर के पास नाव से लोगों का रेस्क्यू हो रहा है। सेंट्रल दिल्ली में 4 NDRF की टीम काम कर रही है, नॉर्थ ईस्ट में 3, साउथ ईस्ट में 4, ईस्ट में 3 और सहादरा में 1, कुल 15 टीमें लगाई गई है और हम अलर्ट पे रखे हैं। झूठ की राजनीति का समय भी नहीं है, और झूठ की राजनीति करनी भी नहीं चाहिए, उन लोगों को इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। दिल्ली वासियों को भी हम प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी की तरफ से हम आश्वस्त करना चाहते हैं, जितनी NDRF की टीम जरूरत होगी उतनी लगाएंगे। अब लाल किले से आई इन तस्वीरों को देखिए, यमुना के सैलाब का असर यहाँ भी देखने को मिला। इस पूरे परिसर में पानी भरा हुआ है। लाल किले के अंदर और बाहर पूरा का पूरा इलाका पानी से भरा हुआ है। यमुना नदी में आए सैलाब के बाद से ही लाल किले को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे यमुना नदी में पानी बढ़ता गया, इस पूरे इलाके में पानी भर गया। यमुना नदी में आए सैलाब ने हर जगह पानी पानी कर दिया। दिल्ली में इतना पानी भर गया कि सड़कें दरिया बन गई और अंडरपास तालाब बन गए। यमुना नदी के पानी ने पहले निचले इलाकों में कहर बरपाया, और फिर ये पानी धीरे धीरे दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी फैल गया, और अब पूरी दिल्ली में जल कर्फ्यू लग गया।